तो जब इसमें भी दिक्कत आएगी नेक्स्ट टाइम पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी देख सकते हैं मेरी एमटी कुछ इस तरह दिख रही है। अब आप लोग सोचते हैं रोज रोज एमटी दिखाता है, बोलता है इस तरह दिख रही है उस तरह दिख रही है, लेकिन इसमें पीछे से थोड़ा सा ट्रेजडी हो गई है। तो इसमें जो नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो में बिल्कुल भी कुछ मैं वो नहीं करूँगा कि ऐसा है वैसा है। जो मैं नंबर प्लेट इस पर लगवाया था उस पर मैंने रिपीट नहीं लगवाई थी, ये फ्रेम लगवा दिया था और फ्रेम में ही ये बोल्ट से फ्रेम कस गया था और फिर नंबर प्लेट इसके अंदर घुस गई थी। लेकिन ये जो फ्रेम्स होते हैं 100-150 के मिलने वाले, इतने क्वालिटीफुल नहीं होते और टाइम रहते ही फिर ये अपना रंग दिखा देते हैं। रंग ऐसा कि इनकी जो ये लॉक्स हैं ये ख़राब हो जाते हैं, देख सकते हैं जो लॉक हैं ये निकल आते हैं बहुत इजली। तो हुआ क्या, जब मैं अपनी बाइक रात में चला रहा था तो किसी ब्रेकर में कूदी होगी और यहाँ से नंबर प्लेट गिर गई। और नंबर प्लेट गिरी ऐसी बात नहीं है, मेरे को पता चल गया क्योंकि रात में मेरी बस बाइक चल रही थी तो मेरे को लगा कि कुछ हुआ, तो मैं जाके फिर अपना नंबर प्लेट उठाया। तो भाई साहब ये है इलीगल, ये चीज़ लगवाना इलीगल है। और इसके साथ अगर लगा रहे हैं नंबर प्लेट को तो नंबर प्लेट में रिपीट लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं फ्रेम लगवाया हूँ इसको आरटीओ पास नहीं करती है, इलीगल बोलती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब रिपीट आप लगवा लेंगे तो फिर उतना आपको आरटीओ तंग नहीं करेगी। तो नंबर प्लेट लगवाइए फिर रिपीट लगवाइए, ऊपर से आप फ्रेम लगवा सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं मैकेनिक के पास, अपने से तो होगा नहीं, और फिर डायरेक्ट उस पर लगवाते हैं रिपीट। अभी आगे का तो मैं कुछ करूँगा नहीं क्योंकि आगे देख सकते हैं, आगे अभी परफेक्ट दिख रहा है। तो जब इसमें भी दिक्कत आएगी नेक्स्ट टाइम पर तो फिर मैं कर लूँगा इसमें भी। यहाँ पे मेरा नाम लिख के आता है अतुल 22, अच्छा लगता है देखने पे। अभी मैंने इसको 2 दिन पहले इसका फुल टैंक करवाया था, बहुत जल्दी पेट्रोल खा लेती है भाई साहब। ये सिटी में मान के चलिए कि आपको 40 सुपर का माइलेज नहीं देगी, 40 मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दिया हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मजाक कर रहा, लेकिन मैं बता दूँ कि 40 सुपर माइलेज सिटी में नहीं देती है। और अगर किसी को लगता है कि 40 बहुत ज़्यादा है तो फिर काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी मैं नोएडा में हूँ और नोएडा में घूमने में काफ़ी मज़ा आता है, यहाँ की हाईटेक सिटी देखने में। पहुंच चुका हूं बांके बिहारी की दुकान पे और यहां पे मिले मेरे को दो भाई जिन्होंने मेरी नंबर प्लेट को फिक्स करने का जिम्मा लिया और इन्होंने बताया कि कैसा कैसा क्या करना है इसमें, क्योंकि पहले नट बोल्ट वाला सिस्टम था तो मेरे को रिपीट सिस्टम करवाना था और रिपीट सिस्टम हर जगह मेरे हिसाब से हो नहीं पाती है। मैं कई दुकानों में पूछा कि रिपीट सिस्टम कर दो तो बोल रहे थे भाई पहले ही करवा लेना था, अब नहीं होगा, मेरे पास मशीन नहीं है, नहीं है, जबकि उसमें एक छोटी सी कैंची टाइप की मशीन लगती है। तो भाई बोले कि नंबर प्लेट दो, तो नंबर प्लेट मैं इनको दिया। तो सबसे पहले तो ये पुराना नंबर प्लेट का फ्रेम खोल रहे हैं, क्योंकि इसको जब तक खोलेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। तो ये नंबर प्लेट खोल रहे हैं, बाद में फिर इसमें रिपीट उपीट वाला सिस्टम करेंगे। और मैं शुरू में तो यही बोल रहा था कि इसमें रिपीट ना लगाओ यार, इसमें जो ये नट बोल्ट लगे हैं इसी को कस दो आपस से। लेकिन होता क्या है कि उसमें है चलान, और जिस चीज़ में है चलान उस चीज़ को मेरे को करना नहीं है। कि मतलब कहीं भी गाड़ी अगर पकड़ी जाए तो फिर किसी चीज़ को लेके उनसे बहस हो, बोला जाए, रिक्वेस्ट की जाए, ये सब सिस्टम अपने पास नहीं है। तो मैं बोला कि भाई साहब इसको तुम पहले रिपीट वाला ही बनाने का कोशिश करो, अगर नहीं बनता है तो फिर क्या कहते हैं तुम नट बोल्ट वाला बनाना, क्योंकि इसमें नंबर प्लेट में छेद वगैरह करना पड़ता है जैसे भाई छेद कर रहे हैं।
तो क्या है कि जैसे 6 नोट कर लेंगे तो अगर इसमें रिपीट लग जाएगी तो अच्छी बात है, और रिपीट नहीं लगेगी तो फिर सेकंड ऑप्शन जो है अपने पास वो नट बोल्ट लगाने का है ही। तो चलिए आप देखते रहिए वीडियो, वीडियो में ही आप लोगों को पता चलेगा कैसे रिपीट वाला सिस्टम आप करवा सकते हैं, कितना खर्चा आता है, क्योंकि लोग बाग यही डर जाते हैं कि इसमें लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा लगने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इतना भी लगता नहीं है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि नंबर प्लेट में होल हो जाने के बाद अब उसको फिटिंग करने की बारी है। तो सबसे पहले जो उसका फ्रेम है वो लगेगा, उसके ऊपर फिर नंबर प्लेट लगेगी, और नंबर प्लेट के फिर उसमें नट बोल्ट लगेगा। ऐसा करने से कभी नंबर प्लेट आपकी गिरेगी नहीं। लेकिन भाई ने फिर यहाँ मेरे को उदास कर दिया, भाई बोला कि इसमें वो नहीं लग पाएगा, ये जो फ्रेम है ये फ्रेम बेकार है, बजेगा आवाज़ करेगा, तो इस फ्रेम को आप चेंज कर दो। तो फिर मेरे को नया फ्रेम भी लेना पड़ा, और ये फ्रेम वास्तव में इसके लॉक्स जो थे वो ख़राब हो चुके थे, और 150 रुपये में मैं फ्रेम लगवाया था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो फिर मैंने यहीं सामने बांके बिहारी की दुकान से मैंने लिया, ये 50 रुपये का फ्रेम लिया। ये जो हाथ में देख रहे हैं ये वाला फ्रेम नहीं है, तो पुराना है, वो जो भाई हाथ में लगा रहे हैं वो वाला फ्रेम मैंने 50 रुपये का लिया। और उसमें यह है कि वो परफेक्ट तरीके से फिट बैठ जाएगा, वो आवाज़ भी नहीं करेगा, बिंदास तरीके से दिखेगा भी, और उसमें रिपीट सिस्टम भी हो जाएगा। तो फिर भाई ने बोला कि ये नंबर प्लेट का फ्रेम तो लग चुका है बेहतरीन वाला, अब आप इसमें रिपीट सिस्टम करवा लो। तो मैं बोला ले आओ भाई, रिपीट सिस्टम ही कर दो, क्योंकि खर्चा भी इसमें ज़्यादा लगने वाला नहीं था। वही मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि खर्चा ज़्यादा नहीं लगता है, लोग डर जाते हैं। ये ऐसी कुछ रिपीट होती हैं जो कि आपको लगभग यही 10-20 रुपये में मिल जाएगी, और फिर लगाने का कुछ खर्चा अलग अलग मैकेनिक्स के जगह अलग अलग होता है। जैसे कि इनके पास मैं लगवाया तो मैंने इनको 50 रुपये लगाने का चार्ज दिया, क्योंकि इन्होंने मेहनत की थी। तो देख सकते हैं कुछ ऐसे लगता है, ये कुछ कैंची टाइप रहती है, तो सबसे पहले रिपीट लगाई जाती है नंबर प्लेट में, और फिर ऊपर से इसको टाइट की जाती है। इसीलिए मैं थोड़ा स्लो मोशन कर करके वीडियो दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि स्लो मोशन में क्यों करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कुछ ऐसा लगता है, और रिपीट सिस्टम हो जाने के बाद कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी RTO कर्मी आपको ये नहीं बोल सकता कि आपका जो ये नंबर प्लेट लगा है, नंबर लगा है, ये इलीगल है। वो और चीज़ में बोल सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों में कभी नहीं बोल सकते। तो देख सकते हैं दोनों साइड का बढ़िया लग जाने के बाद अब ये बेहतरीन लगेगा। आगे का तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि आगे का अभी सही ढंग से चल रहा है, जब उसमें भी कभी कोई दिक्कत आएगी तो उसको भी चेंज करवा लेंगे। तो ये नंबर प्लेट लग चुकी है बेहतरीन तरीके से, और इसमें लॉक्स कुछ रहता नहीं है, सिंगल प्लेट रहती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।